मंगलवार को मंदसौर में एक अद्वितीय और आश्चर्यजनक घटना घटी, जब साख तली के रहने वाले किसान शंकर लाल पाटीदार कलेक्टर कार्यालय में लौटे, उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है। शंकर लाल पाटीदार ने अपनी जमीन वापस पाने के लिए 25 बार जन सुनवाई में आवेदन दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने कलेक्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक अनूठा तरीका अपनाया। किसान के इस कदम से पूरे कलेक्टर कार्यालय में हलचल मच गई। उन्होंने कलेक्टर को पुनः आवेदन सौंपा। किसान शंकर लाल पाटीदार का दावा, शंकर लाल पाटीदार का कहना है कि सुरखेड़ा में उनकी 1.76 हेक्टेयर जमीन है, जिसे कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू नारायण देशमुख के बेटे अश्विन देशमुख ने अपने नाम करवा ली है। शंकरलाल पिछले 14 सालों में अपनी जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई समर्थन नहीं मिल रहा। उनका आरोप है कि देशमुख के प्रभाव के कारण उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और गुंडे बदमाश उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन करवा रहा है जांच। सीतामऊ के तहसीलदार मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि शंकरलाल की जमीन पर माफिया द्वारा कब्जा किए जाने जैसी कोई घटना फिलहाल सामने नहीं आई है। यह मामला जमीन खरीदी से जुड़ा हुआ है और 2010 में अश्विन देशमुख ने जमीन खरीदी थी। पूरे आवेदन की जांच की जा रही है।